नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा सबसे पहले तो अदानी हिंडनबर्ग के जो केस की आज सुनवाई थी और मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले ये अपडेट शेयर करी थी तो काफी लोगों ने कमेंट करा कि भाई सोर्स क्या है आपका। और एक्चुअली में मैंने ये खबर केवल और केवल गूगल पे रीड करी थी, कोई ऑफिशियली सोर्स नहीं था। बट इस तरीके की कोई भी न्यूज मतलब झूठी नहीं होती है, रूमर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी खबर नहीं थी कि इम्पैक्ट डाले। और आपके साथ सबसे पहले हमने शेयर करी, आज ओपन मार्केट में भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इंतजार कर रहे हो अदानी हिंडनबर्ग के केस की आज सुनवाई के फैसले का तो गलत कर रहे हो, क्योंकि ये आज नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीख दे दी है और अब ऑफिशियली हर एक वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप सभी के साथ मजगा और डॉग के बारे में बात करेंगे, पर फिर बड़ी तेजी में आया है। साथ ही साथ एक कंपनी जो कि बड़े डिफेंस से ऑर्डर जीतने की तैयारी में और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है, 45,000 करोड़ के अप्रूव हुए आर्म्ड फोर्सेस। इसके लिए मैं आपके साथ इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, यानी कि डिफेंस स्टॉक दोबारा फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियरली समझ में आ रही है चीजें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड रेलवे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अदानी हिंडनबर्ग की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था 14 अगस्त को, जिसके लिए सेबी ने कहा कि 15 दिन एडिशनल दे दो हमें, तो 29 तारीख को फैसले की डेट हो गई। 29 अगस्त को जो फैसला आना था उसे सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम करेंगे अब 15 सितंबर को सुनवाई। 15 सितंबर आते आते आप सभी को पता चला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट और आगे के लिए पोस्टपोन कर दी है और अब फ्रेश डेट नोट कर लीजिए 13 अक्टूबर 2023, 13 अक्टूबर को ही सुनवाई है। और मुझे पता है आप लोगों का कमेंट क्या होगा कि भैया ये डेट और आगे बढ़ेगी, और आप ठीक भी बोल रहे हो क्योंकि हो ही ये रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई आंसर डिसीजन नहीं आ रहा, तारीख आ रही है, केवल तारीख पे तारीख ये खेल ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब अगली बार सुनवाई आती है फैसला वो देखने वाली बात है, लेकिन हर डेट जो भी सुनवाई की डेट होती है उससे पहले कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को जब सुनवाई होनी थी तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 29 से पहले क्या हुआ आपके लिए आपने देखा, 29 के बाद 15 से पहले क्या हुआ आपने देखा, OCCRP की रिपोर्ट आ गई, अदानी ग्रुप की तरफ से आंसर आ गया, और अभी रिसेंटली 15 सितंबर से अभी दो चार दिन पहले क्या हुआ कि सेबी के ऊपर ही एलिगेशन लग गए हैं कि ये अदानी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है और ऐसे में जितना ज्यादा टाइम खिंच रहा है यहाँ पे रिपोर्ट में, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपके साथ पहले रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो RVNL, IRFC, रेलवे में मतलब टीटागर रेल सिस्टम को छोड़ के आज ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही नीचे थे, 1.5% 0.5% नीचे थे। ऐसे में निवेशकों का ये पूछना है कि भैया क्या करें, इनमें अब तेजी खत्म हो गई है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए तेजी खत्म होना ना होना वो अलग बात है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो बने रहोगे, फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए रिस्क जा रही है जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। आप अगर फ्रेश कैपिटल IRFC में लगाना चाहते हो, RVNL में लगाना चाहते हो, इरकॉन में लगाना चाहते हो, राइट्स में लगाना चाहते हो, टैक्स मैको रेल में लगाना चाहते हो या फिर टीटागर रेल में लगाना चाहते हो, कोई भी A to Z कंपनी हो, तो ये समय सही नहीं है। आपको एक सबसे बढ़िया उपाय देता हूं कि आप स्टैगर्ड में मिलो, यानी कि 100 रुपए लगाने 20 अभी लगा दूंगा, बाकी 5-10% की करेक्शन में लगा लूंगा, इस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। बाकी वेट कर लो गिरावट का, वो बेटर ऑप्शन है, और जिनके पास है उसे जल्दबाजी में मत बेचना, बस इतना कहूंगा। नेक्स्ट मजगांव डॉक एक बार फिर तूफानी तेजी में आता हुआ दिख रहा है, ये शेयर शिपिंग से रिलेटेड और एक आउट परफॉर्मर रहा है, पूरे के पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करा है, पूरे बाजार को आउट परफॉर्म करा है, 250 वाला 2500 होने जा रहा है, मतलब मल्टीवैगर हो गया ऑलमोस्ट। ये स्टॉक की बात की है तो वही वाली बात है कि रोक के रखोगे तभी पैसा बन रहा है आजकल, रोक के रखो, फ्रेश कैपिटल के लिए बेशक थोड़ा वेट कर सकते हो या फिर स्टैगर्ड में ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात की जाए तो अशोक लेलैंड बड़े फोकस में आ रहा है। देखिए ईवी थीम एक और है, देखिए जैसे शिपिंग है, डिफेंस है, वैसे ही एक थीम ईवी भी है। ईवी में अशोक लेलैंड की बात करी जाए तो यहाँ कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहले और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये, कंपनी सेज 25 buses per annum विच मे बी एक्सपेंडेड टू 5,000 vehicles per annum कंटिजेंट ऑन मार्केट डिमांड। जो 2500 की अभी इनकी बस मेकिंग कैपेसिटी है उसको ये बढ़ा के लगभग 5,000 करने वाले हैं, डबल, बड़ी ग्रोथ दिख रही है, ये बड़ा मामला है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि TVS मोबिलिटी के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ है, कंपनी एंड TVS मोबिलिटी एग्रीड टू फॉर्म JV, यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी, ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना रहे हैं जिसकी बताई जा रही है कंपनी वुड बी इन्वेस्टिंग 400 मिलियन रुपीज, तो 400 मिलियन कंपनी निवेश भी करेगी इसमें अशोक लेलैंड की तरफ से। हो सकता है जेबी की क्या रेशियो है, क्या इक्वेशन है, उस हिसाब से सामने TVS मोबिलिटी भी इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा।
नेक्स्ट भारत फोर्ज, जिसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना भी चुका हूँ आपके लिए, पूरी आप डिटेल जानना चाहते हैं तो सरकार का एक फैसला मैंने आपके साथ शेयर करी इस तरीके से वीडियो। भारत फोर्ज आज 2.25% ऊपर गया है। इस स्टॉक को मैंने 990 रुपए पे 2 महीने पीछे ही आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने आपसे कहा था कि इन्हें डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डर्स में बिडिंग करने का लाइसेंस मिल चुका है, और आज पहली बार इन्हें उसके बाद खबर आ रही है कि 3000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिल सकता है आने वाले समय में, और ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए जो समय सीमा होगी वो 7 साल की होगी। आपको इतना लंबा भाई, सर जी इसका जो डिफेंस में पार्ट है ना वो बहुत ही छोटा है, और उस छोटे से पार्ट में से 3000 करोड़ का ऑर्डर आना बहुत बड़ी बात है, तो ये इसीलिए इतना पॉजिटिव चल रहा है इसलिए आपके लिए। साथ ही साथ सरकार ने जो 45,000 करोड़ के कहीं ना कहीं अप्रूव करे हैं आर्म फोर्सेस, ये बड़ी खबर है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा आप सभी के साथ, तो चैनल के साथ डेफिनेटली बनी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।